अच्छा नमस्कार। देखो आपकी बुक है बच्चों, गोल्डन रेज, और इसका जो पहला पार्ट था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वह किताब जिसने इस अर्थ को बचाया, जिसने इस पृथ्वी को बचाया। आई वॉज टीचिंग यू दिस लेसन, पिछली क्लास में बच्चों यही तो पार्ट पढ़ा रहा था मैं आपको, और कहां तक आ गए थे आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। अब मैं आगे से बोलूंगा। देखो बच्चों, ये जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ पेज नंबर सेकंड के ऊपर मार्स स्पेस कंट्रोल, हिंदी अनुवाद होगा मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण। और इसके बाद में बच्चों आ रहा देखना, ग्रेट एंड माइटी, महान तथा महाबली, थिंक टैंक, महान तथा महाबली थिंक टैंक नाम है ये। थिंक टैंक एक मास्टर माइंड होता है, समझ गए। जैसे हम कहते हैं कि बीजेपी का थिंक टैंक कौन है, कहते हैं अमित शाह को, जो है जो अमित शाह वहां बैठा हुआ है ना दिल्ली में, तो उनको माना जाता है क्या, उन्हें माना जाता है बीजेपी का थिंक टैंक। थिंक टैंक से मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे अभियान के पीछे सूत्रधार का कार्य करता है। ही इज या ही ऑलवेज रिमेन्स बिहाइंड करटेन, वो सदैव पर्दे के पीछे रहता है, और जितना भी सामने जो गेम चलता है, खेल चलता है, उसके इशारों से चलता है, उसके दिमाग से चलता है, उसको दिमाग का खजाना कहते हैं, दिमाग का खजाना। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यहां पर दिया महान तथा महाबली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है मुख्य सेनापति या मुख्य सेनानायक, ऐसा व्यक्ति जिसका कमांड चलता हो, जिसका आदेश चलता हो। ये बातें हो गई थी, है ना। बोझ लो नीचे झुकता है, लेकिन बी ओ डब्ल्यू बो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आगे हेड नहीं जोड़ना चाहिए। डोंट बो योर हेड, ऐसे नहीं, ऐसे कहो डोंट बो, क्योंकि बो में ही आ गया है, हेड उसी में शामिल है, क्योंकि बो का मतलब होता है नतमस्तक होना। अगर मैं आपको हिंदी में यूं कहूं कि अपने सिर को नतमस्तक मत करो, बात को समझना, अपने सिर को नतमस्तक मत करो, तो मैं मस्तक बोल रहा हूं, वहीं सिर आ गया, तो फिर सिर बोलना तो अनावश्यक हो जाएगा ना। इसलिए कहना चाहिए नतमस्तक मत हो, इतना ही कहना काफी है, सिर का भाव उसी में। अगर मैं आपको कहूं कि नंबर निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, तो बच्चों आप जानते हैं जब निवेदन है तो अंडरस्टूड है कि वो नम्र ही होगा। जब आप किसी से निवेदन कर रहे हैं तो उसके आगे नम्र, निवेदन के पहले जो नम्र विशेषण आपने लगाया है, ये अनावश्यक है, ये अवांछनीय है। अंग्रेजी में इसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक ऐसा अनावश्यक शब्द जिसे आप जबरदस्ती जोड़ देते हैं, जैसे शी इज माई कजन, अंग्रेजी में बोला मैंने, शी से पता चल रहा है कि वह बहन है, फिर आगे सिस्टर जोड़ना अनावश्यक ही तो है। अगर मैं कहता हूं कि शी इज माई कजन सिस्टर, तो बच्चों यहां सिस्टर शब्द जो है उसे क्या कहा जाएगा। मैंने कहा सिस्टर शब्द को हिंदी में अवांछनीय, अवांछनीय अंग्रेजी में कहते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब ऐसे अनावश्यक शब्द हैं जो आप जबरदस्ती जोड़ देते हैं, जैसे कई बार आप कहते हैं कि आई यू कमिटेड ए ब्लंडर, बी एल यू एन डी ई आर, ब्लंडर यानी होता है बहुत बड़ी गलती। फिर बच्चों ये कहना तो गलती होगा ना कि आई हैव कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक, यू नो ब्लंडर अपने आप में खुद ही गलती का भाव भी दे रहा है और बहुत बड़ी का भाव भी दे रहा है, तो ब्लंडर के आगे मिस्टेक शब्द जोड़ना अनावश्यक है, अवांछनीय है, सुपरफ्लुअस है। इज इट क्लियर, तो बो के आगे नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे एक वर्ब आती है फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस, आई केम हर अक्रॉस इन द मार्केट सडनली, तो बच्चों सडनली को हटा दीजिए आप, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन सडनली, टू मीट समवन ऑल ऑफ ए सडन, ये इसका मीनिंग है। जब उसका मीनिंग है ऑल ऑफ ए सडन या सडनली उसी में छुपा हुआ है, तो फिर बाद में ये जोड़ना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, बोझ लो यानी बोझ लो का मतलब होता है नीचे झुकता है, नतमस्तक होता है बिफोर एंट्रिंग का मतलब होता है प्रवेश करने से पहले, बिफोर एंट्रिंग का मतलब होता है प्रवेश करने से पहले। बच्चों एक काम की बात समझ लो, आपके जीवन में बहुत काम देगी। एक काम की बात यह है बच्चों कि बिफोर है, यह तो मैंने कई बार क्लियर किया होगा लेकिन मैं फिर भी करता ही रहता हूं, यह बिफोर है बच्चों और इसके बाद आ रही है वर्ब, ध्यान से सुनना, ये बिफोर और बिफोर के बाद आ रही है वर्ब। आप जानते हैं बिफोर क्या है, बिफोर बच्चों एक प्रीपोजिशन है। क्या है बिफोर, बिफोर एक प्रीपोजिशन है, हालांकि बिफोर एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी कंजंक्शन का काम भी करता है। बात समझ आ रही,
जैसे मैं आपको कहता हूं बच्चों फास्ट लो, शी इज रनिंग फास्ट, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, वो तेज दौड़ रही है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरीके से मैं कहता हूं आई नेवर गो ऑन फास्ट, मैं कभी व्रत नहीं रखता हूं, उपवास नहीं करता हूं। तो फास्ट का मतलब व्रत या उपवास है। तो बच्चों स्पेलिंग वही है, यहां ये नाउन का काम कर रहा है। इसलिए कोई सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कोई सेंटेंस नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, इस चीज का पता केवल शब्द बोलने मात्र से नहीं चलता, इस बात का पता तो सेंटेंस का वाक्य में प्रयोग करने पर पता चलता है। मैं कह दूं कि फास्ट एडवर्ब होता है, मेरे कहने से थोड़ी होगा। यह सच है कि फास्ट एक एडवर्ब होता है, लेकिन बच्चों अगर आपने वाक्य में प्रयोग किया तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सेंटेंस, यह तो उस वाक्य विशेष के ऊपर निर्भर करता है इन विच यू हैव यूज्ड द पर्टिकुलर वर्ड, जिसके अंदर आपने उस शब्द विशेष का प्रयोग किया है। बात समझ में आ रही है? तो हमने बताया बच्चों बिफोर एक प्रीपोजिशन है, और एक नियम सदैव याद रखो, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है बच्चों, तो उसमें आई एन जी अवश्य जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ए प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई ए जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो अपने जिरंड फॉर्म में आती है। यू नो जिरंड क्या है? जिरंड इज ए नाउन इक्विवेलेंट, जिरंड एक प्रकार का संज्ञा के समतुल्य शब्द होता है। इसलिए वर्ब को नाउन बनाने का यही एकमात्र तरीका है। वर्ब का नाउन बना, कुछ शब्द तो ऐसे हैं बच्चों जैसे डिपार्ट है, तो डिपार्ट से आपने बना दिया डिपार्चर, आईएनजी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे गो, तो गो से आप क्या बनाएंगे? एक शब्द है गो, तो गो से आप क्या बनाएंगे? कुछ बना नहीं सकते आप। ऐसे में आपके पास में एक ही तरीका बचता है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ करके आपको वर्ब का जिरंड बना देना चाहिए, नाउन बना देना चाहिए, क्योंकि आप उसको जब आईएनजी जोड़ोगे तो जिरंड बन जाएगा। और जिरंड को, जिरंड बच्चों वर्ब नहीं होती, जिरंड तो एक नाउन होता है, जिरंड तो एक नाउन होता है। जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर, अर्थात वहां वहां किया जा सकता है जहां जहां नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़े तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंटर में आईएनजी क्यों जुड़ा। एंटर में आईएनजी इसलिए जुड़ा क्योंकि एंटर के पहले बिफोर आ रहा है, बिफोर एक प्रीपोजिशन, इसलिए आईएनजी जुड़ा। बोज लॉ बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले नीचे झुकता है। नूडल बॉय, नूडल नतमस्तक होते हुए सर झुकाते हुए कहता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इमान तथा महाबली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल सर्वाधिक शक्तिमान, एंड इंटेलिजेंट सर्वाधिक बुद्धिमान क्रिएचर यानी प्राणी इन द होल यूनिवर्स यानी सकल ब्रह्मांड में। हे महान तथा महाबली थिंक टैंक, आप इस संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक शक्तिमान तथा बुद्धिमान प्राणी हैं। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपकी आज्ञाएं क्या है, आपका हुक्म क्या है? व्हाट आर योर ऑर्डर्स का मतलब होता है व्हाट इज योर ऑर्डर, व्हाट इज योर कमांड, हमें आदेश दीजिए, आपका आदेश क्या है? थिंक टैंक कहता पी विश, पी देखो बच्चों पी विशली लिखा नहीं है, पी विशली का मतलब होता है इरिटेटिंग, माने थोड़ा क्रोध करते हुए, चिढ़ते हुए, कुड़ते हुए, चिढ़ते हुए उसको, क्योंकि अब आपको कि इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है, इसमें चिढ़ने वाली एक बात है। वो कहता है नूडल से कि नूडल मेरा जो अभिनंदन है, किस तरीके से लोग हमको सल्यूट करते हैं, किस तरीके से लोग हमें सलाम करते हैं, उसका एक तरीका है, सिस्टम से बोलना पड़ता है ना, तो वो जो सिस्टम से बोलना पड़ता है तो उसमें कई शब्द खा गए हैं आप, कम्मा गणी वगैरह बोलते हैं ना अपने भी, तो यहाँ है ना कम्मा गणी, गणी खम्मा है ना, सलाम वालीकम, वालीकम सलाम, इस तरीके से अभिवादन के दो तरीके हैं। थिंक टैंक का भी अपना तरीका होगा। देखो क्या कह रहा हो, थिंक टैंक पीवीशली का मतलब इरिटेटिंग, चिढ़ते हुए, यू लेफ्ट आउट, तुमने छोड़ दिया है, लीव यानी छोड़ना होता है ना, और लीव फॉर यानी प्रस्थान करना होता है, और लीव आउट का मतलब कोई पार्ट छोड़ देना होता है। यू लेफ्ट आउट, आपने छोड़ दिया है पार्ट यानी अंश ऑफ माय सल्यूटेशन। हे नूडल तुमने मेरे अभिनंदन, हे नूडल तूने मेरे अभिवादन के कुछ अंश छोड़ दिए हैं, तुमने मेरे अभिवादन के कुछ अंश छोड़ दिए हैं। अप्रेंटाइज नूडल, तुम अभी अप्रेंटाइज हो। अप्रेंटाइज का मतलब होता है बच्चों नोविस, ये शब्द लिखा आपने, अप्रेंटाइज को ट्रेनी कहते हैं और ट्रेनी को आप नोविस भी कह सकते हैं। नोविस का मतलब होता है बच्चों नया नया, सीख तर बोलते हैं आप इसको, सीख तर वह आदमी है जो अभी जो है पक्का नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कच्चा है, नया नया सीख रहा है। तो नूडल, अप्रेंटाइज नूडल,
हे प्रशिक्षु नूडल, यू हैव लेफ्ट आउट, यू हैव लेफ्ट आउट पार्ट्स ऑफ माय सल्यूटेशन, मेरे सल्यूटेशन या मेरे अभिवादन की कुछ अंश तुमने छोड़ दिए हैं, तो पूरे तरीके से उस द्वारा जो है प्रक्रिया करो। क्या बोलता है ये देखो, गो ओवर द होल थिंग अगेन। इसका मतलब ये हुआ, गो ओवर का मतलब होता है कि डू, गो ओवर का मतलब होता है डू, गो ओवर द होल थिंग का मतलब होल प्रोसेस, सारी प्रक्रिया, अगेन मानी दोबारा, गो ओवर द होल थिंग अगेन। होल यानी क्या होता है बच्चों, संपूर्ण, इस संपूर्ण प्रक्रिया को दोबारा करो, दोबारा तरीके से आओ, सलाम करो झुक के, है ना, और कोर्दिश करो, ये मुसलमान क्या कोर्दिश करने के लिए कहते थे, जो मुस्लिम शासक हमारे यहाँ रहे उनको कोर्दिश करना पड़ता था, तो इनका जो है अलग तरीका है, ये कोर्दिश के लिए नहीं कह रहा, पर वो कोर्दिश की तरह ही है। तो कहता गो ओवर द होल थिंग अगेन का मतलब होता है रिपीट द होल प्रोसेस अगेन, नहीं बोलेंगे अब, जब रिपीट ही बोल दिया तो इसका मतलब दोहराना हो गया, तो बच्चों रिपीट के बाद अगेन नहीं बोलना चाहिए, रिपीट द होल प्रोसेस, इसका मतलब पूरी प्रक्रिया को, इसका मतलब पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरा ये जो सिस्टम है, पूरी पूरा जो प्रोसेस है, पूरी द होल थिंग, यू शैल हैव टू रिपीट इट, आपको इसे दोबारा करना चाहिए, लेकिन रिपीट इट अगेन नहीं बोलना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये अगेन का भाव तो बच्चों रिपीट में ही आ गया, रिवाइज के बाद अगेन नहीं आता, रिपीट के बाद अगेन नहीं आता, रिटर्न के बाद बैक नहीं आता। आगे बढ़े, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सल्यूटेशन, तुमने मेरे अभिवादन के अंश छोड़ दिए हैं, अप्रेंटाइज नूडल, हे प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, गो ओवर द होल थिंग अगेन, किताब में देख रहे होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं, गो ओवर द होल थिंग अगेन का मतलब डू द प्रोसेस, डू ऑल द प्रोसेस, डू ऑल द प्रोसेस अगेन, या रिपीट ऑल द प्रोसेस, सारी प्रक्रिया को दोबारा करो। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा मेरे आका, सर यानी होता है हुकुम, हुकुम ऐसा ही होगा, सर यानी होता है श्रीमान जनाब, ऐसा ही होगा, कहता है इट शैल बी डन, देखो बच्चों इट के साथ विल आता है लेकिन शैल आ रहा है, आप समझ गए, मॉडल के अंदर ये चीज मैंने क्लियर की थी कि साधारणतः आई और वी के साथ में, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में शैल तथा बाकी सबके साथ में विल आता है, परंतु अगर वाक्य में जरूर जरूर या अवश्य का भाव हो, परंतु अगर वाक्य में जरूर जरूर या अवश्य का भाव हो, इसे यह भी कहा जा सकता है अगर वाक्य में आदेश का भाव हो, अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय का भाव हो, अगर वाक्य में वार्निंग का भाव हो, अगर वाक्य में थ्रेट यानी धमकी का भाव हो, तो बच्चों उल्टा हो जाता है, यानी बाकी सबके साथ जहां विल आता था वहां तो शैल आता है, और आई और वी के साथ जहां शैल आता था वहां विल आता है, इट शैल बी डन सर, हुकुम ऐसा ही होगा। आगे चलो, इन ए सिंग सॉन्ग का मतलब लिखो बच्चों, इन ए सिंग सॉन्ग का मतलब होता है इन ए रिदम, यानी गाते हुए सिंगिंग। ये देखो बच्चों क्या शब्द है, शब्द भी बड़ा निराला है, ये शब्द इसलिए इस मायने में बड़ा निराला है, देखो बच्चों रिदम, इसका उच्चारण करना पड़ेगा आपको रिदम, इसका उच्चारण आपको करना पड़ेगा रिदम, देखो इन लिख के बताता हूं, ये तो हो गया री, ये हो गया दर, ये हो गया रिदम, ऐसा बच्चों मैंने क्यों लिखा, और ये शब्द मैंने इस शब्द को निराला क्यों बताया, ये शब्द बच्चों निराला इसलिए है क्योंकि आज तक आपने जितने भी शब्द देखे होंगे उनमें एक कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आ जाता है, एक नहीं तो दो के बाद आ जाता है, दो नहीं तो तीन के बाद आ जाता है, क्या आपने आज तक कभी ऐसा कोई शब्द देखा है जिसमें एक भी वोवल आई नहीं, क्या आपने कभी ऐसा कोई शब्द देखा है जिसमें एक भी वोवल नहीं आए, जैसे उदाहरण देता हूं बच्चों मैं आपको, आप इतने क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का नाम क्या है, किसी का क्या है, एक का नाम सीताराम है, मैं अपनी तब से बता रहा हूं, सीताराम जब आप लिखते हो तो बच्चों एस आई टी ए, आई भी आ गया, ए भी आ गया, राम लिखते हो तो आर ए एम आ गया ना, पर रिदम एक ऐसा शब्द है, आर एक कॉन्सोनेंट, एच एक कॉन्सोनेंट, वाई भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, हालांकि वाई जो है बच्चों इसे सेमी वोवल कहते हैं, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, लेकिन आप इतना तो जानते ही हो कि वोवल में क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स, तो ये शब्द इसलिए निराला है बच्चों क्योंकि इसमें आपने देखा कि सारे के सारे शब्द क्या है कॉन्सोनेंट। एक शब्द और बताता हूं, माल्टेयर शब्द सुना होगा, MARTYR मार्टेयर का मतलब होता शहीद, देखो एम ए, अब आगे देखो आर टी वाई आर, चार एक साथ आ रहे हैं ना, लास्ट में क्या करते हैं वाई ई आर आना चाहिए था पर वो आएगा नहीं, शुद्ध यही है, MARTYR मार्टेयर का मतलब होता शहीद, मार्टेयर का मतलब क्या होता है
शहीद। तो देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। इन ए सिंग सॉन्ग का मतलब एक लय में, एक धुन में, एक सरगम में, या कहना चाहिए कि सिंगिंग माने गायन करते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे महान तथा महाबली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक, एंड हर टू मून्स, मंगल ग्रह तथा उसके दो चंद्रमाओं के सम्राट, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, सकल ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिमान तथा सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हांफते हुए, बी आर ई ए टी एच, ब्रेथ यानी सांस होता है, एंड जब आपकी सांसें असंतुलित हो जाए, आप तेज भक्की आए हैं, किसी भी कारण से आपकी सांसें अगर असंतुलित हो जाए, उनका बैलेंस बिगड़ने लगे, तो आप हांफने लगते हैं, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब देखो बच्चों हांफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ यानी हांफते हुए, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, हुकुम आपके क्या आदेश है, आपके क्या हुकुम है, आप क्या आदेश देना चाहते हैं, इस तरीके से वह दोबारा उसका पूरा अभिवादन बोलता है। या बच्चों जो काम की बात मुझे समझानी है वो एक तो यह है कि मार्स के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नॉट ओनली मार्स बट बिफोर द नेम ऑफ एनी प्लैनेट, बल्कि किसी भी ग्रह के नाम के पहले द नहीं आता, अगर आता तो केवल एक ही ग्रह ऐसा जिसके पहले द आता, वो कौन सा है, वो अनोखा ग्रह है, वो हमारा ग्रह है, वो पृथ्वी है, पृथ्वी के आगे द अर्थ का प्रयोग होता है, ये सच है, परंतु बच्चों बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, जैसे मार्स है, जैसे मरकरी है, जैसे वीनस है, जैसे नेपच्यून है, जैसे प्लूटो है, व्हाट आर दीस, दीज आर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स या ग्रहों के नाम हैं। तो पहली बात तो मैंने कई बार क्लियर किया कि जो ग्रह है उनके नाम क्या, ये आर्टिकल नहीं आता। दूसरी बात, आई डू माई वर्क, आई के साथ में पजेजिव माई आता है, यू डू योर वर्क, यू के साथ में पजेजिव योर आता है, शी डज हर वर्क, शी के साथ में पजेजिव हर आता है। लेकिन ये जो मार्स है बच्चों मंगल, तो मंगल को आप चाहे पुल्लिंग मान सकते हो हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, ऑल द प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड टू बी इन फेमिनाइन जेंडर, सभी जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें स्त्री लिंग माना जाता है, इसलिए क्या कहना पड़ेगा, मार्स के लिए आएगा, हर मार्स एंड हर टू मून्स। आगे देखो बच्चों, इंडिया भारत, तो भारत अपने अतीत की, अतीत के गौरव की ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसे आप हिंदी में बोलते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसे नहीं बोलते, आप अंग्रेजी में इसी को बोल सकते हैं, इंडिया हैज लॉस्ट हर पास्ट ग्लोरी, इंडिया हैज लॉस्ट हर पास्ट ग्लोरी, इंडिया के लिए भी हर आ रहा है, ये मून है बच्चों चंद्रमा, चंद्रमा के लिए भी हर का ही प्रयोग होगा, और एक बात है लेकिन जो बच्चों सन है, एस यू एन सन, उसके लिए हिज का प्रयोग होगा। एक्चुअली नियम यह है कि जो कोमलता के प्रतीक होते हैं, जैसे बसंत की ऋतु है कोमलता, कोमल है तो उसके लिए तो हर आएगा, लेकिन जो उग्रता और प्रचंडता के प्रतीक होते हैं, जैसे समर, एस यू डबल एम ई आर, समर को आप हिंदी में गर्मी कहते हो, पर अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, समर के साथ में हर नहीं आएगा, हिज आएगा, जो उग्रता और प्रचंडता के प्रतीक होते हैं उनके साथ में हिज आता है, उन्हें मस्कुलाइन जेंडर माना जाता है, जो कोमलता के प्रतीक होते हैं, नजाकत के प्रतीक होते हैं, चंद्रमा है, तो उनको अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत माना जाता है। बाकी बात बच्चों दो मिनट के इंटरवल के बाद करें। देखो बच्चों यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई है, और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है,
आगे वाला जो पैराग्राफ है, आगे वाला जो पार्ट है बच्चों, थिंक टैंक का डायलॉग वो बढ़ा रहा हूं, देखो थिंक टैंक क्या बोलता है, दैट्स बेटर, हाँ ये अच्छा है, ऐसे बोलना चाहिए। आप जब भी मेरा अभिवादन करो तो उसमें से कुछ अंश या कुछ पार्ट आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अभी तो पूरा का पूरा जैसा है, अभी जैसा बोला ना वैसा बोलना चाहिए, यस दैट्स बेटर, हाँ वो अच्छा है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन। टू प्लेस इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों, स्टार्ट कम्युनिकेशन, किसी से संप्रेषण करना, मैं संपर्क करना चाहता हूं, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, या आई विश टू कॉन्टैक्ट, मैं कॉन्टैक्ट करना चाहता हूं किनसे, विद अवर मैन स्पेस, मैं हमारे मानव युक्त, मैं हमारे मानव युक्त अंतरिक्ष में गए हुए जो प्रोब है, टू दैट रिडिक्यूलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरल जेनरस रूलरशिप, समझो दैट इज बेटर, ये अच्छा नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता हूं। कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, संप्रेषण, और संप्रेषण को भी नहीं समझोगे आप, क्योंकि हिंदी का शब्द तो है पर बोलचाल भी काम में नहीं आता, हम जो आपस में बातचीत करते हैं बच्चों, हम जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कभी बोल के करते हैं, कभी लिख के करते हैं, कभी संकेतों से करते हैं, इशारों में करते हैं, ये सब विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। कभी आप पत्र लिखते हैं, कभी किसी को SMS भेजते हैं, कभी किसी से मोबाइल में टॉक करते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कम्युनिकेशन, यही कम्युनिकेशन है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मैं संप्रेषण या मतलब विचारों का आदान प्रदान करना या बातचीत शुरू करना चाहता हूं विद, यानी के साथ, और मैंड स्पेस प्रोबे। अब देखो बच्चों, MAN मैन यानी तो मानव होता है, और मैंड का मतलब होता है मानव युक्त, हमारे मानव युक्त, स्पेस यानी क्या होता है अंतरिक्ष, और आगे लिखा बच्चों PROBE प्रोब, ये प्रोब क्या है, दिस इज द नेम ऑफ ए प्लेन, ये जो प्लेन होता है बच्चों, यान हवाई, मतलब हवाई जहाज या विमान जो होता है उसका नाम है ये, है ना। तो यह बताया गया है कि मैं अपना जो प्रोब है जिसमें हमारे जो है कुछ लोग गए हुए हैं, मैंड का मतलब समझ गए, मैंड स्पेस प्रोब यानी अंतरिक्ष यान, जो मानव युक्त, मैं हमारे मानव युक्त अंतरिक्ष यान से संपर्क साधना चाहता हूं। टू दैट, ये जो दैट है ना बच्चों, TH और AT आगे लगा हुआ, दोनों पास पास लाना पड़ेगा, मिसप्रिंट है। टू दैट रिडिक्यूलस का मतलब होता है घृणास्पद, रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद, हमारी पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि वह घृणास्पद, लिटिल मनी छोटा सा प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, बच्चों मंगल बड़ा है, पृथ्वी छोटी है उसके सामने, तो मंगल ग्रह का जो थिंक टैंक कहता है कि वो जो बिल्कुल बेतुका छोटा सा प्लेनेट है पृथ्वी, उस पृथ्वी के ऊपर, उस पृथ्वी को हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, हम उस पृथ्वी पर हमला करेंगे, और हमला करके क्या करेंगे, वी विल पुट दैट प्लेनेट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, हमारे उदार शासन के अधीन करेंगे, यानी उस बेतुके छोटे से, उस नन्हे से ग्रह पर हमला करके हम उसे अपने उदार शासन के अधीन करने जा रहे हैं। तो वहां पर जो क्या गया हुआ है, वहां पर गया हुआ मैंड स्पेस प्रोब, मैंड स्पेस प्रोब का मतलब जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान है हमारा, मैं उसे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो है कितनी प्रोग्रेस की है। वॉट डू दे कॉल इट अगेन, वो इसे क्या कहकर पुकारते हैं, वॉट डू, देखो बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था ना मैंने आपको, डू डज का प्रयोग होता है, हिंदी अनुवाद करते हैं तो अंत में ता है, ती ही आता है, वॉट डू दे कॉल इट, वे इसे क्या कहकर पुकारते हैं अगेन मानी दोबारा, वे इसे क्या कहकर पुकारते हैं अगेन यानी दोबारा। नूडल कहता अर्थ योर इंटेलिजेंस, महामहिम योर इंटेलिजेंस का मतलब होता है बच्चों योर हाईनेस, हिमान सम्राट, हम उस छोटे से बेतुके, रिडिक्यूलस यानी होता बेतुका, हम उस छोटे से बेतुके ग्रह को पृथ्वी कहकर पुकारते हैं, वी कॉल इट अर्थ, हम उसे अर्थ कहकर पुकारते हैं, थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स पृथ्वी निसंदेह है, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, यू सी तुम देखो हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, की ये जगह कितनी तुच्छ है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बच्चों जिसका महत्व हो, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका कोई महत्व नहीं हो। इन क्या है बच्चों, इन एक उपसर्ग है, इन एक प्रीफिक्स है,
और जब आप इसको आगे लगाएंगे तो उल्टा अर्थ देता है, उल्टा अर्थ देता है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम देखो ये जगह कितनी, ये जगह जो है कितनी बेकार है, ये जगह जो है कितनी कम महत्व की है, गैर महत्वपूर्ण है। बट परंतु फर्स्ट, पहले समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले मुझे काम करना है एक जरूरी काम। बट फर्स्ट, लेकिन पहले समथिंग इंपॉर्टेंट, मुझे कोई जरूरी काम करना है। माई मिरर, मेरे दर्पण, एक दर्पण रखता है अपने आगे, माई मिरर, मेरे दर्पण, और दर्पण से पूछता है आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से कंसल्ट करना चाहता हूं। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, अब देखो कंसल्ट विद नहीं आएगा बच्चों, विद यानी से होता है या से, वो नहीं आएगा। कंसल्ट का मतलब किससे राय मशवरा करना होता है, मैं अपने दर्पण से राय मशवरा करना चाहता हूं, मैं अपने आईने से राय मशवरा करना चाहता हूं। नूडल, इट शेल बी डन सर, हुक्म ऐसा ही होगा, इट शेल बी डन सर, हुक्म ऐसा ही होगा। ही हैंड्स, एच ए एन डी, हैंड यानी तो हाथ होता है बच्चों, सभी जानते हो, लेकिन आप ये भी जानते हो कि जब हैंड में आपने एस जोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बहुवचन हो गया, इसका मतलब तो बच्चों ये हुआ कि उल्टे ये एकवचन हो गया। बात को समझना, ये देखो बच्चों हैंड है, और हैंड में अगर आपने एस जोड़ दिया तो बताओ मुझे ये एकवचन हुआ या बहुवचन हुआ। फिर देखो हैंड, और यहां हो गया हैंड्स। बात को समझना, मुझे ये समझाना बच्चों, अगर हैंड का मतलब हाथ है तो ये नाउन का काम करेगा, और नाउन का काम करेगा तो एस जोड़ते क्या बनेगा, ये बच्चों प्लूरल बनेगा, क्लियर है। लेकिन अगर बच्चों हैंड का मतलब हाथ नहीं है, अपितु देना है या सुपुर्द करना है, तो बच्चों ये वर्ब का काम करेगा, और आप जानते हो ये जो वर्ब होती है वो तो हमेशा प्लूरल होती है, और जब आप इसमें एस जोड़ देते हो बच्चों तो ये सिंगुलर का काम करेगा। ही हैंड्स का मतलब होता है ही गिव्स, अर्थात वो देता है। ही हैंड्स का मतलब होता है ही गिव्स, अर्थात वो देता है। थिंक टैंक यानी थिंक टैंक को ए मिरर यानी दर्पण, अर्थात वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। वह थिंक टैंक के हाथ में क्या थमाता है, वह थिंक टैंक को एक दर्पण थमाता है, थमाना होल्ड है ना। आइए देखो, थिंक टैंक के पास मिरर, मिरर इन माई हैंड, मिरर मिरर इन माई हैंड, दर्पण दर्पण तुम मेरे हाथ में हो, और मुझे बताओ हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बींग इन द लैंड। इन द लैंड को अंडरलाइन करो बच्चों, इसका मतलब इन यानी में होता है अंदर, पर यह इसका मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब होगा ऑन द लैंड। इन द लैंड को आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो बोलोगे भूमि पर, हे दर्पण मुझे बताओ हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिक। इधर बच्चों ये एफ ए एन, इसके बाद में टी छूट गया है, जो आपको लिख लेना चाहिए किताब में, यह मिसप्रिंट है, देखो एफ ए एन और उसके बाद टी भी आएगा, टी ए एस टी आई फैंटेस्टिकली, इसका मतलब होता है सबसे अधिक विचित्र, फैंटेस्टिकली का मतलब होता है सबसे अधिक विचित्र। तो बच्चों यह बताया गया है कि हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बींग, मुझे बताओ कि कौन है, इस कौन है जो सबसे अधिक विचित्र रूप से, इंटेलेक्चुअली का मतलब सबसे अधिक बौद्धिक रूप से, गिफ्टेड का मतलब होता है बच्चों प्रतिभाशाली, टैलेंटेड बींग यानी प्राणी, इन द लैंड यानी भूमि पर, हे दर्पण मुझे बताओ कि संसार में सबसे अधिक विचित्र रूप से तथा बौद्धिक रूप से सबसे अधिक प्रतिभाशाली गिफ्टेड प्राणी कौन है। तो ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब नेपथ्य से आवाज आती है, ऑफ स्टेज बताया था मैंने रंगमंच का पिछला भाग, ऑफ स्टेज का मतलब रंगमंच का पिछला भाग, जिसे हिंदी में कहते हैं नेपथ्य। तो नेपथ्य से आवाज आती है, वही से नहीं आवाज होता है, नेपथ्य से आवाज आती है आफ्टर ए पोज, आफ्टर ए पोज का मतलब तनिक ठहराव के बाद, आफ्टर ए पोज, ये है पी ए यू एस ई पोज, इसका मतलब ठहराव होता है, वो पोज नहीं है, एक पोज मेरा, एक पोज तो ले लो कम से कम, वो फोटो खींचने वाला पोज है ना वो अलग है, ये है पी ए यू एस ई पोज यानी ठहराव होता है, आफ्टर ए पोज तनिक ठहराव के बाद, आफ्टर ए पोज तनिक ठहराव के बाद, यू सर आप है श्रीमान, ये आवाज किधर से आई, ये दर्पण से आवाज आई, ऑफ स्टेज का मतलब होता है नेपथ्य से रंगमंच के पिछले भाग से आवाज आई और दर्पण के माध्यम से जो है उसके पास पहुंची। तो थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, स्मैकिंग मिरर इसका मतलब ये होता है बच्चों, स्मैक का मतलब क्या होता है, स्मैकिंग मिरर, मिरर को चूमते हुए, मिरर को किस करते हुए, वो कहता है चुकर शीघ्रतार, थोड़ा जल्दी जवाब दो, वो अपने दर्पण को चूमता है और कहता है कि
थोड़ा जल्दी जवाब दो, इतना धीरे इतना ढीला दर्पण मुझे पसंद नहीं है। आंसर क्यों कर नेक्स्ट टाइम, अगली बार मेरे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र तर देना, अगली बार मेरे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र तर देना, अधिक शीघ्र देना। आई हैव ए स्लो मिरर, मैं एक स्लो मिरर को अर्थात एक मंद गति से जवाब देने वाले दर्पण को पसंद नहीं करता हूं, मैं उसे नफरत करता हूं। आई डिसलाइक ए स्लो मिरर। मैं धीमी गति से काम करने वाले, धीमी गति से प्रत्युत्तर देने वाले, धीमी गति से प्रतिक्रिया करने वाले दर्पण को ना पसंद करता हूं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह दर्पण में अपने आप की सराहना करता है या दर्पण में अपने आप को देख करके आत्ममुग्ध हो जाता है। वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख करके, वह दर्पण में अपना अक्ष देख करके आत्ममुग्ध हो जाता है। ए और कहता है, अरे देयर आई एम, मैं हूं वहां। दर्पण में देख के वो कहता है कि देखो मैं कैसा हूं, कितना अच्छा हूं, और मैं जो है मैं हूं वहां। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्स के निवासी, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी एक स्मार्ट या खूबसूरत कौम नहीं है क्या? आर ए सी ई रेस मानी होता है बच्चों कौम, आर ए सी ई देखो शब्द दिया मैंने, आर ए सी ई रेस यानी दौड़ होता है बेशक, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कौम, कौम यानी जानते हो ना पूरी जाति को कौम कहा जाता है, ह्यूमन रेस यानी मनुष्य की कौम, मनुष्य की जाति प्रजाति। तो बताया गया है वो अपने आप को देख के कहता है, एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह दर्पण में अपने आप की तारीफ करता है। ये हिमसेल्फ जो है बच्चों, ये जो है किसका काम कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन प्रोनाउन का काम कर रहा है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ, वह अपने आप की तारीफ करता है इन द मिरर इन दर्पण में, ए देयर आई एम, मैं वहां हूं। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी एक खूबसूरत कौम नहीं है? ये जो पृथ्वी के लोग हैं ये तो छोटे छोटे हैं, गोटे गोटे हैं, है ना, और बिल्कुल पिद्दे पिद्दे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वो लोग हमें तो बिल्कुल बावड़ा मानते हैं, हमारा व्यक्तित्व उन्हें अच्छा नहीं लगता, हमारा सब कहते हैं छोटे 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 शीर हैं, और उनके तो इतने मोटे मोटे शीर हैं, है ना। तो देखना ऐसा कुछ बता रहा। आर वी मार्शियंस, मैंने कल कहा था इंडिया का निवासी इंडियन कहलाता है और मार्स का निवासी मार्शियन कहलाता है, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी नॉट नहीं है? ए हैंडसम रेस का मतलब होता है अट्रैक्टिव, एन अट्रैक्टिव रेस, क्या हम आकर्षक लोग नहीं है, क्या हम खूबसूरत कौम नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज, हम बहुत अधिक, मच मोर का मतलब हम बहुत अधिक आकर्षक हैं, देन मैंने इसे दोज अगली अर्धलिंग्स, वो बद्दे पृथ्वीवासी, अर्धलिंग कौन होते हैं बच्चों? ई आर टी एच एल आई एन जी एस, अर्धलिंग का मतलब होता है पृथ्वी का निवासी, हम उन बद्दे पृथ्वी के निवासियों से, हम उन भद्दे पृथ्वी के निवासियों से विद देयर टाइनी हेड्स, जिनके छोटे छोटे सिर हैं, हम उन भद्दे पृथ्वी के निवासियों से जिनके छोटे छोटे सिर हैं, उनसे हम कई गुना ज्यादा खूबसूरत कौम हैं, उनसे हम कई गुना ज्यादा खूबसूरत कौम है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, कीप ऑन के बाद बच्चों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है, और उसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं शी केप्ट ऑन लुकिंग एट मी, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरी ओर घूरती रही। आई केप्ट ऑन डूइंग माई वर्क, और मैं अपना काम करता रहा। यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने दिमाग का कसरत करते रहो। नोरा, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, एक्सरसाइज यानी होता है जो प्रैक्टिस, रियाज करना, अभ्यास करना, तुम अपने दिमाग का अभ्यास करना बेदस्तूर जारी रखो, क्योंकि एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा जो सर है ना इतना छोटा है, एक दिन मेरी तरह ये भी ऐसे हो जाएगा, फूल करके गुब्बारे की मानिंद, किसकी मानिंद? गुब्बारे की मानिंद, देखो। एंड सम डे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा, यू विल हैव ए बैलून ब्रेन, तुम्हारा मस्तिष्क या तुम्हारा सर गुब्बारे की मानिंद हो जाएगा, जस्ट लाइक माइंड, जैसे मेरा है। मुझे पूरा भरोसा है तुम अपने दिमाग को एक्सरसाइज करते रहो, एक दिन तुम्हारा दिमाग भी गुब्बारे की मानिंद इतना मोटा हो जाएगा जैसे मेरा है। पर आइए कहता सुनो नूडल, ओ आई होप सो, आई होप दिस, सो यानी क्या होता बच्चों? ऐसा ही श्रीमान, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि एक दिन जो है मेरे दिमाग में अगर यही प्रैक्टिस करता रहा तो मैं भी आपकी तरह दिमागदार बन जाऊंगा, और ये मेरा जो खोपड़ा है ये क्या बन जाएगा? ये गुब्बारे की मानिंद बहुत मोटा बन जाएगा, मैं भी उम्मीद करता हूँ। थिंक टैंक, आई होप सो, हे थिंक टैंक, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थिंक टैंक नाउ, अब कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रॉब, अब ऐसा करो, अब अंतरिक्ष के लिए गए हुए उस यान से जिसका नाम क्या है? प्रोब फर्स्ट। अब अंतरिक्ष के लिए गए हुए उस प्रोब फर्स्ट नामक यान से संपर्क साधो। आई वॉन्ट टू लीड, मैं हमला करना चाहता हूं। द प्राइमिटिव मैंने आदिम बॉल, बोलिए गेंद होता है, और मड, ये जो मिट्टी की गेंद है वो बच्चों पृथ्वी को मिट्टी की गेंद कहता है,
मैं उस आदिवासी, मैं उस आदिम मिट्टी से निर्मित गेंद के ऊपर हमला करना चाहता हूं, कॉल्ड अर्थ, जिसे लोग पृथ्वी कहते हैं, बिफोर लंच यानी दोपहर के भोजन से पहले। मैं दोपहर के भोजन से पहले उस मिट्टी की कंदुक के ऊपर, कंदुक मन गेंद हिंदी का शब्द है ना, तो मैं दोपहर से पहले उस मृदा की या उस मिट्टी से बनी हुई उस गेंद के ऊपर दोपहर से पहले पहले हमला कर देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं हमला कर देना चाहता हूं दैट मनी, उस प्राइमिटिव बॉल ऑफ मड यानी मिट्टी से बनी हुई गेंद जिसे लोग पृथ्वी कहते हैं, मैं उस पर दोपहर से पहले पहले, दोपहर के भोजन से पहले पहले हमला कर देना चाहता हूं। बच्चों लंच को अंडरलाइन करो और आर्टिकल का एक नियम याद रखो कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सफर, व्हाट आर दीज, दीज आर द नेम्स ऑफ मील्स, ये भोजन के नाम है, भोजन के नामों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। द लंच नहीं बोलना चाहिए, द ब्रेकफास्ट नहीं बोलना चाहिए, द सफर नहीं बोलना चाहिए, द डिनर नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से देखो बच्चों, या तो की बात जो है यहां तक हमने बात की, और अंतिम लाइन है, नूडल कहता है, शेल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान, ऐसा ही होगा मेरे हुकुम, ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड के ऊपर क्या करता है, अपने हत्थों को समायोजित करता है, इलेक्ट्रॉनिक बजेज और विद्युत की अनुभूति सुनाई देती है, एंड बीप बीप की ध्वनि निकलती है और हर्ड यानी सुनाई देती है, इज द कर्टेन ओपन, कर्टेन ओपन जो ही पर्दे खुलते हैं तो बिजली की अनुभूत, विद्युत की अनुभूत तथा दीप की आवाज सुनाई देती है। और बच्चों आगे चलेगा सीन सेकेंड, ये बात होगी आपसे अगली क्लास में। नमस्कार।